तो यहाँ पर हम शाह स्टाइल इंस्पायर्ड मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं इनकी यहाँ पर भी जो पिक्चर है वो स्क्रीन पे मेंशन कर लूंगी, जो आप देख लोगे कि हम उनकी मतलब उनका इंस्पायर मेकअप आईज मेकअप कर रहे हैं ओनली। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बेस मेकअप पहले ही कर लिया तो आईज से फॉल आउट होगा, इसलिए पहले मैं बेकिंग कर लूंगी, जिसके लिए मैं यहाँ पर व्हाइट टोन का पाउडर यूज कर रही हूँ बेकिंग के लिए, जिससे जितने भी फॉल आउट होंगे जो बाद में आपने इजिली डस्ट आउट कर सकते हैं। तो मैं आईज को प्राइम करने के लिए यहाँ पर मैक का कंसीलर यूज कर रही हूँ इन दी शेड 20। आप यहाँ पर कोई आई प्राइमर भी यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर आई कंसीलर यूज कर रही हूँ। अब इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। मैं अपने आई बेस को एडीएस के कॉम्पैक्ट से अच्छे से सेट कर लूंगी, जिससे जो हम आईज मेकअप करेंगे वो काफी ज्यादा कलर है वो इनहेंस होंगे अच्छे से। तो उन्होंने यहाँ पर ब्लू कलर के पेंसिल से उन्होंने अपने आईज मेकअप को पूरे आईलिड को अच्छे से अप्लाई किया, बट मेरे पास यहाँ पर ब्लू कलर की पेंसिल नहीं है, तो मैं आईज मेकअप तो उनकी तरह यूज करूंगी बट मैं ट्रिक अपना यूज करूंगी। तो मैं ब्यूटी क्लर्स के पैलेट से ये ब्लू कलर का शेड ले लूंगी एक फ्लैट ब्रश पे, और उन्होंने अपने क्रीज लाइन के ऊपर नहीं लेके गए थे, तो मैं भी क्रीज लाइन के ऊपर नहीं लेके जाऊंगी, ओनली आईडीज पे आईलिड पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। मैं यहाँ पर हल्का सा बेकिंग और कर रही हूँ, क्योंकि नीचे फॉल आउट काफी ज्यादा हो रहा है, जिससे हमारा बेस मेकअप ना खराब हो, तो मैं थोड़ा बेकिंग और कर लूंगी आईज के नीचे। नाउ मैं इस वाले ब्लू शेड को लूंगी एंड देन इसी के ऊपर रिप्लेस कर दूंगी। तो मैंने सेकंड वाले आईज का भी मेकअप कर लिया था, लेकिन जो उन्होंने जो ब्लू कलर की जो पेंसिल यूज की थी शाह स्टाइल ने, तो उसमें हल्के से शिमर पार्टिकल थे, तो मेरे उसमें तो शिमर पार्टिकल नहीं थे उस वाले पैलेट में, तो मैं एमएम के पैलेट से ये शिमर ब्लू शेड को इस आईज पे रिप्लेस कर दूंगी, जिससे इसके जो शिमर शेड इस पे अप्लाई हो जाएंगे। आप चाहो तो फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हो लाइक दिस, मैं फिंगर की हेल्प से भी आपको करके दिखा देती हूँ। ब्राउन कलर को क्रीज लाइन पे अप्लाई कर दूंगी, जैसे उन्होंने अप्लाई किया था, उन्होंने अपनी क्रीज लाइन पे हल्का हल्का ब्राउन शेड को अप्लाई करके दोनों शेड को अच्छे से स्मच आउट कर दिया था। तो मैं एंजल रोज के पैलेट से ब्राउन कलर के शेड को लेके क्रीज लाइन पे अप्लाई कर दूंगी, लाइट सा शेड उन्होंने लाइट सा लिया था और दोनों कलर को अच्छे से स्मच आउट कर दिया था। तो मैं भी उनकी जैसी ट्रिक को यूज कर रही हूँ, देखते हैं उसके जैसे मैं आईज मेकअप कर पाती हूँ या नहीं कर पाती। नाउ मैंने फॉल्स आईलैशेस अप्लाई कर लिए हैं, अब मैं बेकिंग को डस्ट आउट कर दूंगी। उन्होंने वन थर्ड आईलाइट पे अपने ब्लू कलर का काजल अप्लाई किया है, तो मैं यहाँ पे वन थर्ड आईलाइट पे अपने मालू का काजल यूज कर रही हूँ। सेम ब्लू कलर को मैं इसके स्लोवर लैश लाइन पे भी स्मच कर लूंगी, जैसे शाइमा ने किया था। मैं कलर आर्ट के मस्कारा से फोर्स आईलैशेस एंड नेचुरल आईलैशेस दोनों पे मस्कारा अच्छे से अप्लाई कर लूंगी, ताकि दोनों कोड है जो अपने एक साथ लगे, जिससे कि हमारे नेचुरल एंड फोर्स आईलैशेस दोनों एक साथ। आईब्रो के लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाली जैकलिन के पैलेट से ये ब्राउन कलर का शेड, SFR का पैलेट, ये काफी ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा पैलेट है, आप एक बार जरूर यूज करके देखना, आपको Amazon Flipkart पे इजिली अवेलेबल है, और जो इनका जो कलर है पे ऑफ है वो भी काफी अच्छा है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैं इन दो शेड को अच्छे से मिक्स करके यूजुअल पॉइंट पे अप्लाई कर लूंगी।
लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ मैक की लिपस्टिक इन दी शेड 812। उन्होंने यहाँ पर मैट न्यूड कलर की लिपस्टिक यूज की थी, तो मैं भी यहाँ पर न्यूड कलर की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। सैमा के जैसा हम लुक क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं, हम उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपको भी पता ही है, तो आप हमें मार्क देना कि हमने किस हद तक उनकी ट्राई लुक क्रिएट कर पाए या नहीं कर पाए। मैं यहाँ पर उनकी पिक इंसर्ट कर दूंगी तो आप अच्छे से देख सकते हो। तो मैं इनके बाल बना के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, तो स्टे ट्यून, कहीं जाना मत।